और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं जो पीड़ित परिवार के लोग हैं। ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय। क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? नमस्कार, आप देख रहे दृष्टि न्यूज में, आपके साथ मानसी मिश्रा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े को रखा। साथ ही उन्होंने लिखा था कि अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े को देखकर आपको लगता है कि बिहार में सब कुछ सही है तो मतलब सब कुछ ठीक है। वहीं आज उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद कई घटनास्थलों पर जाके परिजन से मिला हूं, इनसे लॉ ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई अपराधी भाजपा के नेता के साथ बैठे हुए हैं, हमने खुद ही फोटो सार्वजनिक किया है। बालिका गृह वाले कौन हैं? सृजन घोटाले वाले कौन थे? किसके साथ बैठकर मौज मस्ती करते थे? सुनिए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव। जारी करते हैं, आप देखें कहां कहां घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, कोई जाता भी नहीं। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं, कई घटनास्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मांझी 2005 के बाद से सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को, बेकार की बात है, कहानी है, क्या है सबूत, क्या है ये सब खाली इधर का उधर इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय। क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे जिसका तस्वीर हमने जारी किया था? तो ये सब बेकार की बातें हैं, उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठा क्या हम लोगों का? पार्टी का बैठा की तो चलता रहे। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई घटनास्थल पर मैं खुद परिजन से मिलने पहुंचा था। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे दृष्टि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।